दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मिसकॉन्सेप्शन और एक डाउट पर। जब हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो डाउट आना एक जाहिर सी बात है, लेकिन उसका रिजॉल्व होना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लें जो पहले से ही मिसकॉन्सेप्शन में है, तो वो गलत जानकारी हम लोगों के लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकती है, और हो सकता है कि हम भी किसी को वही मिसकॉन्सेप्शन आगे बढ़ाते रहें। तो आज हम लोग एक ऐसे ही मिसकॉन्सेप्शन और डाउट पर बात करने वाले हैं, जो कि है डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन और क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो बात कुछ ऐसी है, हम लोगों को पता है कि अगर कोई एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो उसकी वैल्यू अगर ये डिस्टेंस आर पर हम देख रहे हैं, तो ये 1/4πε0Q/r इन SI सिस्टम। लेकिन क्या अगर, जैसे कि हम मान लीजिए एक ये कोई बल्ब है और इसमें हमने आयनाइज्ड गैस को भर लिया, जो कि गैस पहले जो थी वो न्यूट्रल थी, अगर आयनाइज्ड भी है तो इसमें जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चाहिए। तो जैसा कि लग रहा है कि अगर इसमें गैस है हमारे बल्ब में, तो जो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस रहती है वो ऑफ द ऑर्डर आप कुछ 10^-8 के मीटर के आसपास होगी। लेकिन हम जो जिस डिस्टेंस पर पोटेंशियल की बात करने जा रहे हैं वो कुछ सेंटीमीटर्स में होगा। तो अब ऐसा देख के लगता है कि नेट चार्ज जो है वो जीरो है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी यहाँ पर जीरो होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें और इसको नापते हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आती है वो नॉन जीरो आती है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जिनके कारण जिनका नेट चार्ज, अगर मान लीजिए कि ये चार्जेज इनको हम Q1, Q2, Q3, Q1 से रिप्रेजेंट करें, अगर सिस्टम का नेट चार्ज जो है सिग्मा क्यू आई आई रन फ्रॉम 1 to वॉट एवर हाउ मैनी चार्जेस आर देयर, अगर ये जीरो है पहली कंडीशन, ये जीरो है, और हम किसी दूर के पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें, कितना दूर, कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं जो भी हैं, इनके बीच की ये जो चार्जेज हैं, इनके बीच की अगर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कंपेयर्ड है इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है, हम यहाँ पर सेंटीमीटर्स में बात कर रहे हैं, और ये डिस्टेंस कुछ 10^-8 मीटर के टाइप की है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम नेट चार्ज के कारण देखें, तो नेट चार्ज जो है वो जीरो होगा, तो इसके कारण जाहिर सी बात है हम आसानी से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा जीरो होगा। लेकिन अगर हम नापें किसी भी प्रकार से, तो यहाँ पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, और पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जिनके कारण नेट चार्ज जीरो हो, और किसी दूर के पॉइंट पर, यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, तो वो 1/r² के टाइप से बदलता है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/r². ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये ऐसा ही नहीं, मान लीजिए एक और सिचुएशन हम लेकर के चलते हैं कि एक डिस्क है, ठीक, इसके मान लीजिए रेडियस इसकी है जो है वो R है, ठीक, और मान लीजिए x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस अपनी फिट कर, और ये हमारा ओरिजिन,
इस पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का वो ऐसा है कि अगर हम किसी एंगल थीटा पर देखें तो यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ये हमारी रिंग है, डिस्क नहीं, ये रिंग है, ठीक। तो रिंग पर हम इस एंगल थीटा पर देखें तो यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है वो कुछ कांस्टेंट के टाइम्स कॉस थीटा के हिसाब से बदल रहे हैं। यहाँ दूसरा थीटा होगा तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कुछ अलग है, यहाँ कुछ थीटा दूसरा है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी अलग है। यहाँ थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इसके लिए चार्ज डेंसिटी कॉस 90 जीरो, तो वो जीरो हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर भी जीरो हो जाएगी। तो हम देखेंगे इसके कारण नेट चार्ज जो आएगा वो जीरो आएगा। नेट चार्ज कैसे निकालेंगे, हम इस पॉइंट को पोजीशन लिखें और इस पॉइंट पर एक एलिमेंट लें और उसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें और पूरे के ऊपर जोड़ दें तो वो जीरो आएगा। और लेकिन तो ऐसा चार्ज अगर हम दूर के पॉइंट पर बात करें पोटेंशियल की तो वो देखा जाता है कि वो जीरो ना हो करके एक नॉन जीरो क्वांटिटी आती है। तो ये भी एक डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन। एक और केस लेते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि स्फीयर है, ठीक, ये हमारी जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और स्फीयर के सरफेस पर जो हमारा सरफेस चार्ज है वो कुछ सिग्मा जो है वो सिग्मा नॉट कॉस थीटा के हिसाब से बदल रहा है, जहाँ पर कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल है। तो ये भी एक डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह बिहेव करता है। तो डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नेट चार्ज जीरो हो लेकिन हम दूर के पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो वो 1/r² के प्रोपोर्शनल में होता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और हमारा जो जैसा कि हम 12th-11th से भी पढ़ते आए हैं जो सिंपल सा डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों का अमाउंट समान हो, मतलब कहने का चार्ज की जो क्वांटिटी है वो समान है, को एक स्मॉल डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देते हैं। तो जो डाउट रहता है वो ये रहता है कि जो डाइपोल मोमेंट आता है वो उसकी डायरेक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी आती है डायपोल मोमेंट, तो उसकी डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही क्यों होती है, क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है या बाई कन्वेंशन है या बाई डेफिनेशन है। तो कुछ लोग जब मिसकॉन्सेप्शन में होते हैं तो कह देते हैं हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो डाइपोल हम जो कहने का डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक, और वो मास बॉडी है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो हम मान ले रहे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बनी उनके मास m1, m2, m3 से होंगे। तो इनकी और कोई एक हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में इस जो ये जो मासेस हैं उनकी पोजीशंस मान लीजिए r1, r2, r3, so on, rn। कोई ith मास है, ith पार्टिकल है, उसका मास mi है, उसका पोजीशन ri है। तो हम किसी पॉइंट जो मास पॉइंट m1 है उसका जो मास मोमेंट लिखेंगे उसको हम लिखते हैं r1 × m1, और ऐसे ही m2 का r2 × m2, ऐसे ही किसी nth पार्टिकल का rn × mn। अब हमें पूरे सिस्टम का अगर मास मोमेंट चाहिए तो हम उसको जोड़ देते हैं r1 m1 + r2 m2 + r n m n, और यह हम उसको लिख सकते हैं σri m i। तो ऐसे ही कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हमारा तो हम उसका डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक। तो मान लीजिए कि ये कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, ये कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन है,
ये कोई चार्ज Q1 मान लीजिए, ये Q2 है, ऐसे ये Q3 है, इनके पोजीशन वेक्टर्स मान लीजिए R2, वेक्टर R1, वेक्टर R2, वेक्टर R3, ठीक। ऐसे यहाँ पर भी पोजीशन, जो अगर हम पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन एक वेक्टर से डिफाइन की जाती है, जैसे वेक्टर R1, R2, ये भी सब वेक्टर्स हैं। तो सिग्मा RIM ऐसे ही, तो चार्ज जो हम डायपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, तो डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं सिग्मा RIQI, मतलब ये पूरा हमारा जो सिस्टम है उसका जो डायपोल मोमेंट है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर कोई आइथ पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर, और जो आइथ पार्टिकल है उस पर कितना चार्ज है, और पूरे सिस्टम के कारण हम चाहिए तो हम पूरे को जोड़ देते हैं। तो अब आते हैं हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था कि ये मान लीजिए एक डायपोल है, ठीक। और वैसे हम डायपोल को डिस्ट्रीब्यूशन ना समझ करके केवल एक डायपोल समझते हैं, कि डायपोल बस वही समझते हैं कि जहाँ एक पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट का निगेटिव चार्ज कुछ स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड। तो हम लोग इसमें जो डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन निकालने वाले हैं। तो ये मान लीजिए कोई एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन है, और इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर जो R1 है, और इस वाले का पोजीशन वेक्टर R2 है, किसी का भी कुछ ले सकता है। तो बाई डेफिनेशन जो हमारा डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर की पहला चार्ज कितना है +Q इंटू इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, प्लस दूसरा चार्ज कितना है -Q है इंटू दूसरे का पोजीशन वेक्टर R2। चार्ज हमारा समान है तो हम इसको काम में ले सकते हैं, क्यू इज वेक्टर R1 -Vector R2। अब ये वेक्टर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये वेक्टर R1 -R2 क्या होगा, ये वेक्टर R1 -R2 क्या होगा, आपको दिस इज वेक्टर BA। कैसे निकालते थे, अगर हमें पता है ये वेक्टर BA क्या होगा, पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B, तो ये वेक्टर BA निकला, मतलब वेक्टर P = Q, और ये इसका मैग्नीट्यूड अगर D है तो Q * D, और इसकी डायरेक्शन क्या है, कि इस डायरेक्शन BA की डायरेक्शन * BA की, तो ये क्या है, ये डायरेक्टली मतलब बाय डेफिनेशन से हो रहा है कि जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है, जो हमारा अगर कोई दो चार्जेस +Q और एक -Q डी डिस्टेंस सेपरेटेड हैं, तो जो डायपोल मोमेंट निकल के आता है उसकी डायरेक्शन बाय डेफिनेशन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है। ऐसे ही मान लीजिए हमने ओरिजिन अभी यहाँ लिया, दूसरी जगह ओरिजिन से पकड़ सकते हैं, मान लीजिए ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और मान लो कि ये कुछ ऐसा है, ठीक। और यहाँ पर तो हमने आर्बिट्रेरी माना था, कहीं भी ले सकते हैं, तो ये जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आती है वो हमेशा माइनस से प्लस की ओर ही होती है, ये बाय डेफिनेशन आता है ना, ऐसा नहीं कि हम जिस तरफ चाहें उस तरफ ले सकते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि बाई कन्वेंशन ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। होपली आपने इंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट। अगर आपको रिलेटेड टॉपिक से वीडियो चाहिए तो यू कैन टेल मी, और आपको वीडियो जैसा लगा हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।